आज की जय, चलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरत सतगुरु मिले सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर बारम्बार। धन्य सदगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न वसाय। सिंहासनारूढ़ श्री सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए वे सत्संगी प्रेमी माता उता धर्मशिला बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है जो कि यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। सत्संग में पहले स्तुति प्रार्थना और उपासना की प्रधानता है। स्तुति करने से परमात्मा का गुणगान को करने के लिए जानने में आता है। परमात्मा की स्तुति करने से कथा है, पूजा कोटि समूह स्तोत्रम, स्तुति कोटि समूह जपम, जाप कोटि समूह ध्यानम, ध्यान कोटि समूह लयम। यह जो है प्रारंभ में यह क्रिया किया जाता है। यह जो सत्संग है, यह संत मत का सत्संग है। संत मत किसी नाम या पंथ का नहीं होता है। यह सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। संत मत किसी धर्मों से राग द्वेष नहीं करता, वह सभी धर्मों से प्रेम करता है। गुरु महाराज कहते हैं कि सुषमना ध्यान करो। सुषमना ध्यान कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं पहले जो है मोटा मोटा आइटम के लिए करो। जो पहले मानस जप करो। जप कैसे गुरु कहते हैं? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सुषमा ध्यान का प्रथम जो है मंत्र जाप करने के लिए बताया कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जब जाप करते करते मन जब स्थिर हो जाता है तब दूसरा साधन होता है मानस ध्यान करने का। मानस ध्यान में मनोमय रूप का ध्यान किया जाता है, जो कि गुरु महाराज ने वह युक्ति बतलाता है कि इसका आप ध्यान करो। जो और ध्यान जब करता है कि जिसको जो बुलाना होता है वह मन ही मन उसको बुलाते हैं अपने अंदर में। बुलाते बुलाते पुकारते पुकारते जब अंदर में पुकार लगाते लगाते जब उसका पुकार परमात्मा सुनता है तो उसको अंदर में दर्शन देते हैं। दर्शन जब दे देते हैं, हूबहू दर्शन उसका हो जाता है,
कहते हैं, कहते हैं कि दर्शन उर्माही करे तो तरने की नाव किनारे लागी। जब उर्मे दर्शन उनका करता है, जो मन में रूप का जो ध्यान करता है, उसका जो मन में जो इच्छा होता हुआ पूर्ति हो जाता है। आगे जो बतलाते हैं, दृष्टि योग करो। जो दृष्टि योग, दोनों दृष्टि धारा को एकाग्र करो। एकाग्र कहां करो तो कबीर साहब ने इसका मिसाल देते हैं कि जो ये कहते हैं गगन की ओट निशाना है जी, गगन की ओट निशाना है, दहने सूरज बाए चंद्रमा तीन के बीच छिपाना है। ठीक इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं, किसी प्रकार से हमको गगन के बीच में हमको देखना है और सूरज को टिकाना है। जब आप अभ्यास करेंगे टिकाने का, बारंबार अभ्यास करेंगे, मन को वहां लगाएंगे, तो कैसे लगाएं तो वह कह रहे हैं, तन का कमान सूरत का रोदा शब्द वर्ण ले ताना है, मारा पान घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है। कबीर सावधान में कह रहे हैं और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोजो सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरी है अपने में खोजना। गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि अंदर में खोजो, कहां खोजने की युक्ति बता रहे हैं, भजन में कह रहे हैं, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अंदर में सब चीज सुख मना के अंदर में सब चीज दिखाई देता है, उसने कहा उसमें अंदर में देखो। देखने की युक्ति है कि दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। यही जो सुषमा का ध्यान है, यह सभी पापों से मुक्ति हो जाता है। जो जितना भी अगर जो शरीर के ऊपर जो आवरण है, जो पर्दा लगा हुआ है, जो दृष्टि जो की साधन करते रहेंगे बराबर, तो यह जो जो चार जो पर्दा लगा हुआ है, अस्थूल का, सूक्ष्म का, कारण और महाकारण का जो पर्दा लगा हुआ है, वह दृष्टि योग से खत्म होगा। जो और गुरु महाराज कहते हैं कि खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टि बाण कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जो है वो सदगुरु का भेद को पा लेता है और कहता है कि निज दिन सूरत को अंधकार पर कर करके अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छठ 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 बीली छठ के भोर का तार दिखाता है। यह सब सुषुम्ना के ध्यान से ही मालूम होता है होता है। इसलिए सुषुम्ना ध्यान के लिए संतों ने कहा, या ऐसे संभव नहीं है जब तक कि पंचशील का पालन नहीं करेंगे। तो पंचशील पालन में गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ, है एक झूठ नशा है दूसर तीसर पर के नारी हो, चौथी चोरी पंच अहिंसा दिल से ही नया लगाओ। अगर जब परमात्मा के दर्शन चाहते हो या पांच चीज से आपको बचना पड़ेगा, बचेंगे तब आपका साधना तक पहुंच पाएंगे। तो यह साधना
करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र करेंगे तभी इसका मालूम होगा। इसीलिए कहा कि सुना ही समझे मुदित मन, मन जही अति अनुराग, लहे चार फल छतनो साधु समाज प्रयाग। जब तक शस्त्र को सुनेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो पाएंगे नहीं। इसीलिए सुस्त मना ध्यान करने की आवश्यकता है, सभी पापों से इसे मुक्ति मिल जाता है। और वो हमारा जो जन्मना मरना है, जो संसार में आते जाते रहते हैं, हमारा आना जाना नहीं होगा। अगर नहीं यह भजन इस जन्म में पूरा नहीं हुआ, तो यह जो भक्ति का संस्कार शरीर के अंदर में जो भक्ति जो कर रहे हैं, उसका संस्कार जो सद्गुण है दीक्षा के रूप में जो देता है, वह भक्त को जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिला देता है, तब तक उसको मानव शरीर मिलते रहता है। इसका विस्तार कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कुन उपजे फिर संत के संग। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा फड़े घटे न ताको मूल। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति का बीज जो है अचल और शाश्वत, न सड़ने वाला है न गलने वाला, उसको न अग्नि जला सकता है, नहीं हवा सुखा सकता, नहीं कुछ कर सकता है, आजीवन अजर अमर है। इसलिए जैसे जैसे सोना है, अगर जहां बिष्ठा में गिर जाएगा, वही बिष्ठा में गिर जाने से अगर जहां हमारे पास पानी है, तो कपड़ा में उसको पोछ करके किसी सोनार के यहां ले जाएगा, तो वह पूछेगा इसका भाव कैसे क्या है, कहेगा हम यह सोना पैखाना से उठा के लाए हैं, इसको हमको बेचना है, तो कितना दाम दीजिएगा। इसीलिए वह कहेगा इसका दाम कम नहीं है, इसीलिए भक्ति का कीमत उतना है, इसका कीमत नहीं लगा सकता जी। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को उपदेश दिया है, कहा कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभी गहो गुरुनाम। समय तो चला गया जो चला गया, अब जो बाकी जो बचा हुआ है, बचा हुआ इस समय में गुरु का कहा भजन करने के लिए। झट ही करो निज काम, मतलब झट मतलब जल्दी से करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत के संतान जब बन जाएंगे तो हमारा संसार से संसार में आना जाना खत्म होगा। आने जाने के लिए ही मनुष्य तरीके से भक्ति करने मिला। भक्ति करने के लिए तो भक्ति किसका करना है, तो भक्ति का कि सब को छोड़कर एक गुरु की भक्ति करो जी। गुरु की भक्ति किस लिए कहा, कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। करता नाम है परमपिता परमात्मा, परमात्मा नहीं कर सकते हैं तो वह गुरु कर देते हैं जी। तो गुरु का पर एक आधारित कहानी है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक शिष्य जो है, एक शिष्य जो है वह जो है शास्त्र ध्यान भजन करता था। जब ऐसे आ रहे थे रास्ते में, तो उसको स्टेशन पहुंचने में बहुत विलंब था, गाड़ी आने के लिए वह गाड़ी का इंतजार कर रहा था।
तब उतने में एक सेठ आता है और कहता है हमको जो है, हमको जो है आप हमारे घर को पहुंचा दीजिए। शिष्य ने कहता है सेठ जी से, देखिए जहां पर कहीं सत्संग हुआ तो वहीं पर मैं रुक जाऊंगा और सत्संग सुनने लगूंगा जी। कहा ठीक है, जहां पर तुम सत्संग होगा वहीं पर तुम रुक जाना। बात दोनों में हो गया और वह जो है शिष्य जो है गुरु का शिष्य हुआ, उसका शेर का जो है गठरी लेकर अपना सिर पर वो चल दिया। चलते 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 जब रास्ते में आ रहा है तो देख रहा कि वहां घमासान सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है तो बोला कि मैं अब जहां पर सत्संग को मैं सुनेंगे तो वहां पर वह सत्संग को सुनने लगा। तो सत्संग सुना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा उन सुलभ न सोई। यह सत्संग सुन रहा था वो, और सेठ भी सत्संग को इतना बात सुन लिया था और उसने कहा कि जब दरबही दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। वह जब अनुकंपा परमात्मा होता तो साधु के संतों के दर्शन मिलते हैं और सत्संग भी मिलता है जो। तो वह सेठ जी था जो कभी सत्संग को कभी नहीं सुना था जो। तो वह सवेरा चला वहां से, गठरी उठा के सेठ के यहाँ आया और सेठ जी के कहता है, सेठ जी हमारा बात ध्यान से सुनिए। आपका तीसरा दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। तो सेठ जी घबरा गए, बोला सेठ जी घबराइए मत, घबराइए नहीं, हमारा ध्यान से सुनिए। इतना देर तक हमारे साथ में जो सत्संग किए जो बैठे थे, आप जब वहां पर जाइएगा तो आपको पूछेगा कि आप पहले स्वर्ग को भोगेंगे या नरक में जाएंगे, तो आप कहिएगा कि जो है हमको पहले जो है स्वर्ग का सुख ही हमको भोग दीजिए, भोगने को दीजिए, फिर बाद में मैं नरक में चला जाएंगे। इतना कह करके वह जो है तीसरा दिन होता है शेर का मृत्यु हो जाता है। और जो है इधर गुरु का जो शिष्य था उसका भी मृत्यु हो जाता है। दोनों जब वहां सचखंड जब पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि इधर में कहरा रहा है, उधर में कहरा रहा है, सब रो रहा है, किसी को अग्नि में डाला जा रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को गला काट रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। वहां देख से जो है भयभीत हो गया जी। तो धर्मराज से पूछा, धर्मराज इसका डायरी में देखो कि कहीं पे कहीं अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तो डायरी उसका उल्टाने लगा जो। सेठ जी कहीं कोई जीवन में जब तक जो जीवन था उसका कभी कोई सुकर्म काम किया ही नहीं था, कहीं पर दिखा नहीं था जी। तो उठाते उठाते जो है धर्मदास परेशान हो गया और कहता है का कुछ कहीं नहीं लिखा है। तब देखा था कि एक जगह जो है सत्संग को सुन रहा था जो। कहा इसका है एक इसका जो है 3 मिनट का है, इसको कीजिए स्वर्ग लिखा हुआ है, तब उसके बाद में इसको कीजिए नरक जाना पड़ेगा जो। अच्छा पूछता है तुमको अब स्वर्ग जाना चाहे है कि नरक में जाना है बताओ पहले, तुमको 2 मिनट का है समझ लो।
उसका जो बात याद में था वीर था नहीं हो देव ऋषि बानी, संत की बात पलट नहीं सकता जो लिखा हुआ बरमान पलट जाए लेकिन उसका बोली नहीं पलटता है। कहा महाराज हमको जो है आप हमको स्वर्ग में दे दीजिए तब मैं फिर नरक में जाएंगे। जब अंदर स्वर्ग में वो जाता है तो बाबा को देखता हुआ कि वो जो बड़ा सिंहासन वो झूल रहा है, झूल रहा है तो बाबा को जाकर वो प्रणाम करता है, प्रणाम तो करता है, बाबा कहता है बैठो तुमको कहीं वहां को बुलाएगा तुम्हारा समय हो जाएगा तो तुम मत जानो, जो कितना बुलाएगा डराएगा तुम कहे आ जाओ इधर में आ जाओ लेकिन तुम मत आना दो, तुम्हारा समय हो गया कहीं जल्दी जाओ। जब देखता है कि जमरात में खाता रखे बैठा उसको बुला रहा है जल्दी आओ तुम्हारा समय हो गया, वह नहीं आता है और अपना वो जो भजन में वह लीन हो जाता है, परमात्मा में भजन में लीन हो जाता है और धर्मराज को जाकर बोलता है कि वो नहीं आता है इसी का साथ छोड़ दो, वो नहीं आता है उसका वहीं पर लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। इसीलिए कहता है सत्संग सुनने से इतना महत्व होता है तो सत्संग की महिमा को गाते हुए संत आघाते नहीं है और अगर सत्संग को कहते हुए भी लजाते नहीं हुआ अपना जीवन को धन धन करके उसका सुनाते रहते हैं। जो हमारे गुरु महाराज ने भी यही हम लोगों को शिक्षा दिया है कि जहां रहो सत्संग करो, अपना बाल बच्चों के साथ रहो, परिवार में रहो और नित्य प्रतिदिन क्रियाकाल संध्या उपासना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो और संसार का काम करते हुए सच्ची ईमानदारी का कमाई करो, कमाई करते हुए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अभ्यास करते करते तुम एक न एक दिन परमात्मा को पा जाओगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे सत्संग नित और ध्यान नित एक अर्थ संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। इतना कर करके गुरु महाराज कहते हैं कि पवित्र कमाई करके अपने बाल बच्चा और परिवार में रहो, साधन भजन करते हुए यहाँ से चलो। मैं इसी वाणी के साथ गुरु महाराज के चरणों में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।